है आप देख रहे ना, ये ग्रेडर से एक बार हम इसको रगड़ रहे, ब्लेड रजे साहब ज्यादा गहरे मत मारिए, हल्के हल्के स्क्रेचेस मारिए। तरीका अपनाया क्योंकि उसमें स्क्रेचेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, रगड़ना पड़ेगा पूरा ब्लेड एक बार में नहीं रगड़ सकते क्योंकि। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे ना कंपनी, तो भाई अभी देखो ये लग रहा है भाई टेप, क्योंकि ये लेयर वाइज भरते हैं तो इसमें एक लेयर दो लेयर ये चल रहा है भाई, ऊपर वाला नीडल वाला वाइब्रेटर इसके अंदर भी खत्म हो गया अभी। तो भाई यहाँ पे हो गया अपना सफाई अभियान कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे ना अपना एक तरफ का बीसी का लेइंग अपना कंप्लीट हो गया, ये एक किलोमीटर का पूरा पैच, और अभी अपन कर रहे हैं इसके LHS वाला पोर्शन है जो ये है, और यहाँ पे आपको दिख ही रही होगी भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है एक जगह। क्या है भाई ये जो मीडियन की फिलिंग की गई ना बीच में मिट्टी की, तब भाई एक्सेस माल जो रहता ना मिट्टी का तो वो थोड़ा सा इधर चला गया, तो उसको भाई पूरा साफ करना पड़ा। ये क्या है बारिश के पहले भरा हुआ था तो बारिश का जमा हुआ मटेरियल था, अब यहाँ पे बीसी का लेइंग कर रहे तो इस समय बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग दिख रही ना आपको ना। अगर ये इस टाइप से अगर इसको अच्छे से नहीं करेंगे ना तो पैच आपका स्लाइड हो जाएगा 100% गारंटी उसकी, और दूसरी बात ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, ये उखड़ जाएगा डामर। तो अगर नीचे डस्ट रह गई, डस्ट की मात्रा ज़्यादा रह गई, मिट्टी रह गई, तो आपका पैच सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए भाई पीछे की साइड अपनी बीसी की लेइंग चल रही है और आगे आगे भाई क्लीनिंग चल रही है, तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ कैसे इस टाइप को पैच को आप प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे ना ये ग्रेडर से एक बार हम इसको रगड़ रहे हैं, ब्लेड से इसको रगड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये ब्लेड से एक बार रगड़ दिया जाएगा अच्छे से, जिससे क्या है कम से कम माल हमको साफ करना पड़ेगा। तो ग्रेडर का क्या जो जितनी जमी हुई मिट्टी रहेगी ना उसके ब्लेड से पूरी मिट्टी निकल जाती है, तो बची कुची जो मिट्टी रहेगी उसको हम ना बेलचे से इसको मैनुअली इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेडर का ब्लेड लग रहा ना, लगने के बाद भाई कुछ इस टाइप की सरफेस बन रही है, देख रहा ना मिट्टी जरूर है, अभी इसको थोड़ा सा किनारे करके फिर से लगाएंगे, एक बार में पूरा ब्लेड नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तभी निकलेगी, क्योंकि तो ग्रेडर को रगड़ रहे हैं एकदम अपन ब्लेड से। तो ये सबसे पहले तो भाई यही किया जाता है इसको साफ करने के लिए, क्योंकि तो ग्रेडर एक बड़ी मशीन होती है, वो पावरफुल मशीन होती है, और इससे क्या होता है आपका काम जल्दी हो जाता है, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई इसको मैनुअली करने में। और साथ साथ में देख रहे हैं हमने JCB भी लगा रखी, क्योंकि उससे क्या होगा जो ये ब्लेड लगने के बाद जो सरफेस थोड़ी सी चिकनी हो जाती ना, तो उसको भाई निपटाने के लिए उसमें स्क्रैचेस भी बना रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये हमने स्क्रैचेस बनाए, आगे JCB स्क्रैचेस बना रही है ये। ग्रेडर का ब्लेड लगने के बाद अभी देखना ये थोड़े थोड़े स्क्रैचेस बना रहे हैं अपन, स्क्रैचेस बन जाएंगे तो क्या होगा भाई ये ब्लेड लगने के बाद जो सरफेस थोड़ी चिकनी हो जाती ना, ग्रेडर का ब्लेड लगेगा तो चिकना तो होना ही होना है, तो उसमें क्या है इसमें थोड़े से स्क्रैचेस मार देंगे तो भाई पैच स्लाइड वाली समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अभी इसमें हल्के हल्के स्लाइड पैच को स्क्रैचेस मार देंगे जिससे कि जिसमें जमी हुई मिट्टी भी रहेगी वो भी निकल जाएगी, और इसको हवा मारने के बाद फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसमें भाई स्क्रैचेस पूरे कंप्लीट करते हैं जैसे ये लग रहे हैं, और मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ ये कुछ इस हिसाब से चलेंगे। स्क्रैचेस आप ज़्यादा गहरे मत मारिए, हल्के हल्के स्क्रैचेस मारिए, लगभग है ना मेरे हिसाब से 10 mm का स्क्रैच बहुत होगा, 10-12 mm के ज़्यादा गहरा मारोगे तो भाई कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका DBM थोड़ा सा लूज ही हो जाएगा, तो इसलिए आपको स्क्रैच मारने से पहले भी भाई बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। ग्रेडर से भाई इसमें बहुत सारे बार थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके इस टाइप से आपको रगड़ना पड़ेगा, पूरा ब्लेड एक बार में नहीं रगड़ सकते, क्योंकि पूरा ब्लेड लगेगा रगड़ना चाहोगे ना तो क्या होगा ये एक बार में होगा नहीं। अभी देख रहे ना भाई कितनी डस्ट यहाँ पर निकल के आई, इसको पहले से हल्का हल्का साफ करने के बाद ये देखो अब ये डस्ट बिल्कुल लूज हो गई ना बिल्कुल, तो अब ये हवा में उड़ जाएगी भाई, अभी तक ये हवा में उड़ने वाली कंडीशन में नहीं थी क्योंकि ये जमी हुई डस्ट थी। तो ये चीज़ का भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है डस्ट का, और साथ साथ में डस्ट के साथ साथ एक चीज़ और होती है भाई, वो है यहाँ पे क्योंकि ये बाईपास है काफ़ी दिनों से बंद है, थोड़ा बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, अगर रनिंग रहता तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो इसमें क्या होता है जानवर वगैरह भैंस है गाय निकलती रहती है तो गोबर हुआ जमा हुआ, तो ये गोबर बहुत सारा देख रहे हैं हम जगह जगह गोबर ही गोबर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर तो नहीं बोले गाय भैंस वगैरह निकलती रहती हैं, तो उससे भाई ये गोबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। अब इसको वायर ब्रश से पूरा रगड़ना पड़ेगा, अगर इसको रगड़ेंगे नहीं तो भाई ये इस टाइप से पपड़ी बन जाएगी, तो इसको अच्छे से रगड़ना पड़ेगा नहीं तो भाई ये काम अपना ख़राब हो जाएगा, तो तभी भाई अपना टैक कोट लगेगा जब तक इसकी सफाई नहीं हो जाएगी। तो गोबर का क्या रहता है भाई इस टाइप से बेलचे से जैसे ये निकल रहे ना ऊपर ऊपर का पोर्शन को जिस टाइप से रगड़ रगड़ के निकालो, उसके बाद इसमें वायर ब्रश से रगड़ते चलो कुछ इस हिसाब से करना पड़ता है, देख रहे ना।
बाद में क्या है, जैसे इस हिसाब से ये वायर ब्रश से रगड़ रगड़ के अभी छोड़ दिया है, अभी इसमें भाई हवा लगा देंगे तो ये अच्छे से सरफेस निकल के आ जाएगी। अपन अगर इसमें हवा नहीं मारेंगे तो भाई ये काम खराब होने वाला संभावना पूरी पूरी रहती है। अभी दोस्तों एक नया तरीका अपनाया है, क्योंकि उसमें स्क्रैचेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो ये वाला तरीका अपनाया है। ये आप देख रहे हैं ना, अभी आपका बैक लोडर आगे आगे चलता जा रहा है, पीछे पीछे हल्के फुल्के स्क्रैचेस करते जा रहा है बकेट से। हाँ थोड़ा टीथ कम है इसके अंदर, पर फिर भी भाई काम ठीक कर रहे हैं। तो चार से पांच बार भाई आगे पीछे घुमा देंगे ना तो हल्के हल्के स्क्रैचेस हो जाएंगे, हल्के हल्के ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए भी नहीं, नहीं तो ज़्यादा कर देंगे तो भाई इसकी DBM की स्ट्रेंथ खराब होगी यार, तो इसलिए इस टाइप से स्क्रैचेस सही जैसे हो रहे हैं ना ये। अभी भाई इस टाइम पे क्लीनिंग के चक्कर में देखो अपना काम रुक गया यहाँ पे, क्योंकि भाई जब तक क्लीनिंग नहीं होगी ना तब तक अपन टैकोट नहीं लगा सकते। टैकोट मतलब इमल्शन, जो लिक्विड फॉर्म नहीं रहता डामर का, वो नहीं लगा सकते। और यहाँ पे देखो एक गाड़ी यहाँ पे आके खड़ी भी हो गई है, तो फटाफट भाई जल्दी से जल्दी अपन अपना काम निपटाते हैं, क्योंकि भाई क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये कभी कभी इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है ना तब भाई बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, नहीं तो भाई नहीं होता इतना। तो अभी एक बार और इसके दांते लगाए जाएंगे JCB के, एक से दो बार, तब भाई अपना काम परफेक्ट होगा। अब पता भाई यहाँ पे देखो आप क्लीनिंग के चक्कर में कितनी सारी मशीनरी यहाँ पे इंगेज की गई है। ये आप देख रहे हो बैक लोडर चल रहा है ये सामने, पीछे ग्रेडर भी चल रहा है, कॉम्प्रेशर भी चल रहा है, वो तो खैर चलता ही आएगा। भाई ये जुगाड़ हमारा कैसा लगा आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। और साथ साथ भाई ये अपना ग्रेडर, अब हुई भाई थोड़ी सी सफाई, अभी डामर का नीचे का लेयर एकदम बढ़िया दिखने लग गया है। आवाज आ रही ना भाई ब्लेड की, कैसा रगड़ के चल रहा है ना। तो अभी भाई थोड़ा डस्ट वस्ट एकदम साफ हुआ, ये आप देखने के बाद अभी यहाँ पे जो जमी हुई डस्ट थी ना वो लगभग भाई अपनी खत्म हो गई है। आओ अपन कॉम्प्रेसर स्टार्ट करते हैं और इसको सारा उड़ा देते हैं, क्योंकि उड़ाने के बाद फिर भाई टैकोट लगाएंगे, तब भाई हमारा काम आगे का आज का चल पाएगा। और भाई सफाई इतनी चल रही है यहाँ पे, तो सारा काम भाई करने के बाद अभी अपन चालू करेंगे अपना कॉम्प्रेशर। ये है अपना जॉन डियर का ट्रैक्टर है भाई, इसमें ब्रूमर भी लगा हुआ था भाई, ब्रूमर हमारा थोड़ा सा खराब हो गया, उसी के चक्कर में भाई ये इतने सारे खटकर्मा करने पड़ रहे हैं मैनुअली। अभी ब्रूमर से भी सफाई हो जाती, पर जमी हुई मिट्टी उससे भी नहीं निकलती भाई, जमी हुई मिट्टी भाई ग्रेडर से ही निकालनी पड़ती है, ग्रेडर से ब्लेड ब्लेड मारने के बाद। तो खैर अभी जो भी है अभी इसको चालू करते हैं, कुछ यहाँ से होते हैं भाई ये चालू, इसके ऑपरेटर लगा दिया हुआ प्रेशर बैंकर वाला इसके अंदर भाई। वैसे भाई नॉर्मल ट्रैक्टर वाले कॉम्प्रेशर भी आते हैं ना आपने देखे जो ड्रिल करने वाले, तो उससे भाई ये लाख गुना अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये जो है ना LG का कंप्रेशर आता है। इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास जो है वो ये है PG300S100 है भाई ये, इससे ही भाई हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या प्रेशर बहुत गजब का इसका, तो काम जल्दी हो जाता हमारा, हमें ज़्यादा इतना टाइम लगता नहीं है। तो दोस्तों अभी स्टार्ट किया है अपन ने यहाँ पे क्लीनिंग, ये आप देख रहे हैं ना ये हो रही भाई क्लीनिंग। क्लीनिंग में भाई हवा का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हवा अगर आपकी सही डायरेक्शन में चल रही है तो क्लीनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, अगर डायरेक्शन में हवा नहीं है, हवा मतलब जिधर आप मारना चाह रहे हो ना, हवा जिधर आप फूल उड़ाना चाह रहे हो ना, जैसे अभी ठीक हो जो सामने की तरफ उड़ा रहा है सामने की हवा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई उल्टी आती ना तब भाई दिक्कत होती है, फिर हमें उल्टा क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो उसमें भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अभी यह देख रहे ना ये हो गया भाई क्लीन एकदम, अभी इसमें हल्का हल्का एक बार ब्रश और रगड़ देंगे, एक बार और कर देंगे तो और आपकी परफेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये चल रही है अपनी क्लीनिंग सामने की तरफ, और भाई ये देखो क्या हाल हुआ अपनी गाड़ी का, सत्यानाश कर गया पूरी गाड़ी का हमारा, अब इसको धोने पड़ेगा यार, डस्ट इतनी उड़ा दी उसके ऊपर, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं भाई चलता रहता, ये तो हमारा काम है, धूल मिट्टी वाला ही है। आज भाई धूप बहुत है और दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि सफाई हो नहीं पा रही हमसे, क्योंकि अभी ये वाला पोर्शन अभी थोड़ा ठीक दिखने लग गया क्लीनिंग होने के बाद। इसमें भाई अभी फिर से एक बार ब्रश रगड़ने पड़ेंगे हल्के हल्के, उसके बाद भाई फिर से हवा मारनी पड़ेगी, तब भाई टैकोट लगेगा यहाँ पे।
इस टाइप की स्थिति आ गई ना, ये ठीक है। गोबर वोबर रगड़ने के बाद भाई हल्का फुल्का ऐसा रह जाता है, तो उसको भाई अभी हवा हवा लगने के बाद है ना, एक बार दिख रहा ना आपको सरफेस, तो आप कहाँ कहाँ पे और ब्रश मारना वो जगह क्लियर हो गई उसमें, उस हिसाब से अपन हवा और मार देंगे इसमें। कंप्रेसर से हवा मारने के बाद दोस्तों अभी इसको रगड़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसको रगड़ा जाएगा पूरा एक बार फिर से। तो कंप्रेसर से हवा लगने के बाद दिखने लगता ना कहाँ कहाँ और जगह सफाई की, कहाँ कहाँ गुंजाइश हो रही है, तो उस जगह पे भाई फिर से करेंगे, तब भाई आगे का काम अपन चालू करेंगे। अभी ये हल्का फुल्का आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे वैसे तो क्लीन हो गया है लगभग, और उसके बाद भाई हल्का फुल्का इसके ऊपर एक बार ब्रश और लगा देंगे और एक बार हवा मार देंगे, तब भाई अपनी कथा निपटेगी। ऐसे कथा इतनी जल्दी निपटेगी नहीं भाई यहाँ पे। और ये खेल भाई एक चीज़ में बता देना, हवा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना इसमें कंप्रेसर चलाते टाइम, वो इसलिए क्योंकि देखो अभी हवा सामने की तरफ चल रही ना, तो पीछे से करना पड़ रहा है, जिधर की हवा चलेगी ना भाई आपको उधर साइड से ही सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई सारा डस्ट आपके मुंह पे आएगा, आपके कीड़े का आए पे सब पानी भर जाएगा। तो अभी देखो हवा उधर साइड जा रही है, तो हमको इधर साइड से मारना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ना पूरा घिस के एकदम रेडी कर दिया, जैसा हम सामने वो बंदा घिसते जा रहा है, और अभी भाई ये हो गई फाइनल, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी जितना भी दूर दस तक पूरा निकल गया, जमा हुआ भी निकल गया, और जो वायर ब्रश से जो अंदर जो इसमें जम जाता ना, वो वायर ब्रश की मदद से भी निकाल दिया, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये हो गया अपना लेइंग करने के लिए परफेक्ट, अभी इसमें सीधे लेइंग कर दी जाएगी। भाई यहाँ पे आप देख रहे हो ना कंप्रेसर का बुरा हाल हो रहा हमारे, क्योंकि भाई दिक्कत क्या, जितना हवा का प्रेशर है ना, सारी डस्ट हवा ही ऐसी चल रही, डस्ट सारी इसके मुंह पे जा रही कंप्रेसर के ऊपर। तो ऐसा हो गया कंप्रेसर के जो फिल्टर रहते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी साफ करने पड़े दिन में 2 से 3 बार। अभी हवा का खेल है भाई, अगर हवा ढंग से चले तो कोई दिक्कत नहीं आए, पर डस्ट भी अब ज़्यादा नहीं बची भाई, लगभग ये 40-50 मीटर के आसपास और बची है, उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा तबूरी वाला काम आएगा, नहीं तब तक तो भाई बुरा हाल है भाई यहाँ पे, दस साफ साफ करते करके आज पागल हो गए भाई यार। तो होप दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों क्लीनिंग से का मतलब समझ गए होंगे भाई, कितनी इंपॉर्टेंट होती है क्लीनिंग साइड के लिए भाई, बहुत ज्यादा जरूरी होती है डामर के काम में। अगर आप इससे आप अंदाजा लगा लो, जब भी आपके गांव शहर जब भी कहीं पे भी आप देखते होंगे ना इस टाइप की, अगर बंदा ठेकेदार बिना क्लीनिंग में, थोड़ा सा डीजल के पैसे बचाने के चक्कर में बिना क्लीनिंग में अगर रोड बना रहा है, वो रोड का सत्यानाश होना है। आपने देखा होगा पपड़ी की पपड़ी उखड़ जाती है, तो नीचे डस्ट रहता है उसी के कारण भाई पपड़ी की पपड़ी निकल जाती है। तो अगर आप इस टाइप का कहीं काम देख रहे हो तो भाई टोक सकते हैं आप, क्योंकि आपको अधिकार है भैया। और इसका वीडियो में आज आप समझ गए होंगे, पहले अच्छे से ग्रेडर से डस्ट साफ कर लो, ग्रेडर हुआ जेसीबी हुआ जो भी है वो मैनुअली, उसके बाद भाई कंप्रेसर का प्रेशर मार दीजिए आप अच्छे से, उसके बाद फिर इसको वायर ब्रश से अच्छे से साफ करिए, साफ करने के बाद एक बार फिर से प्रेशर मारिए भाई, तब होती भाई क्लीनिंग, इतनी आसान नहीं है भाई ये। तो भाई अभी देखो ये लग रहा है भाई टैक कोड, और ये लग गया परफेक्ट तरीके से सफाई होने के बाद, और अभी भाई चालू करते हैं पीछे से लेइंग। ये तरीका होता भाई, जब तक सफाई नहीं हो सकती ना भाई आपकी, तो बड़े ही भाई साइड में भले ही 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए, पर भाई क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से जो नए इंजीनियर नए सुपरवाइजर है ना भाई, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप डामर आप ऐसे ही ना, आपने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जहाँ पपड़ी की पपड़ी नई सड़क बनाई, पपड़ी की पपड़ी निकल गई, तो भाई वो सफाई नहीं करने का नतीजा होता है। अगर सफाई प्रॉपर करेंगे और टैक कोड को अच्छे से लगाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई। और दोस्तों मैं हूँ इस टाइम पे, जैसा कि आप देख रहे हैं ना लोकेशन से, ये माचना नदी का ब्रिज है, और भाई यहाँ पे आज चल रही है भाई गर्डर की कास्टिंग, तो गर्डर नंबर जो 2 है उसकी कास्टिंग चल रही है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं लेट जरूर हो गया, पर अभी चालू है कास्टिंग, खत्म नहीं हुई है, तो क्योंकि ये लेयर वाइज भरते हैं, तो इसमें 1 लेयर 2 लेयर भर चुके हैं, ये फाइनल लेयर की भाई कॉन्क्रीट यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है अपना बूम पंप, और यहाँ पे चल रहा है अपना कॉन्क्रीट का काम, और ये है भाई जो गटर नंबर 2 जिसके अपन कास्टिंग कर रहे हैं, ये चल रहा है दोस्तों अपना बूम पंप सामने की तरफ, और ये हो रही है यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग। तो दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं ना, मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे बूम पंप के ऊपर, ये बूम पंप है, और इसके ऊपर से यहाँ से देखिए ये चल रहा है अपना फाइनल लेयर चल रही है। मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी दिन भाई स्टार्टिंग से करेंगे ना, तो मैं आपको पूरा गटर दिखाऊंगा ये। तो अभी भाई गटर पूरा लगभग कास्टिंग पूरी हो ही चुकी है, बस फाइनल फिनिशिंग है, एक तरह से वाइब्रेटर चल रहा है, और जो नीचे वाली मोटर रहती है वो भी चलती रहती भाई।
ये आप देख रहे ना भाई, नीचे की जो सरफेस रहती है, नीचे जो मोटरें लगी ना, प्लेट मोटरें बोलते हैं इनको, तो ये नीचे से चलती है। और इसके साथ साथ में जो ऊपर वाली सरफेस है ना, इसमें अभी ये चल रहा है भाई ऊपर वाला निडल वाला वाइब्रेटर। तो ये देखो दो दो वाइब्रेटर चल रहा है भाई। इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेटर चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्योंकि हनीकॉम की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि अगर हनीकॉम रह गया ना तो भाई सरिये दिख गए ना तो गटर आपका फैल है। तो यहाँ पे देखो पूरे सारे बंदे लगे हुए एक तरफ से फाइनल फिनिशिंग करते हुए भाई साहब यहाँ से। अभी जो ऊपर की जो सरफेस है ना दोस्तों इसकी, वो थोड़ा सा रफ रखेंगे, ये अभी प्लेन हो गया ना, इसको रफ बनाया जाएगा थोड़ा सा। तो भाई फाइनली अपनी क्राफ्टिंग पूरी हो गई है ये। अभी इसमें भाई बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं अभी ऐसा कैसे समझा दूँ। नेक्स्ट टाइम जब ये पूरा गटर अपन, गटर नंबर 3 है ना वो सामने आप देख रहे हैं, उसको अपन कल नहीं तो फिर परसों अपन जब भी कास्ट करेंगे, हो सकता है कल ही करें, तो उसका भाई मैं आपको समझा दूंगा। अभी यहाँ पे अभी कास्ट पूरा हो चुका, मैं थोड़ा लेट पहुँचा भाई यार, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जरूर बताऊँगा आपको पूरी डिटेल के साथ। मेरे जो सर हैं उनसे पूरी डिटेल लूँगा, क्योंकि गटर के बारे में भाई मेरे को भी इतना नॉलेज, RCC गटर तो मैंने कास्ट करवाए, PSC गटर का भाई अपने को भी इतना नॉलेज नहीं है। तो भाई अपना TM अभी यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि कास्टिंग अपनी पूरी हो गई है और माल थोड़ा सा बच गया, इसके पाइप में भी थोड़ा बहुत माल होगा, तो वापस भाई इसी के अंदर खाली कर दिया जाता है ऐसे में। अभी इसको हटाते हैं यहाँ से और इसी के अंदर जो बचा हुआ माल है ना, जो इस पाइप के अंदर भाई कम से कम आधा MQ के आसपास माल रह जाता है, उसको इसी के अंदर फिर से डाल दिया जाएगा। ये है भाई दूसरा मिलर, इसके अंदर क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि काम यहाँ का ख़त्म हो गया ना, तो अभी इसको पूरा सफाई करनी पड़ेगी, इसमें अंदर पानी निकलेगा, पानी पूरा साफ करना पड़ेगा अभी। साइड में भाई काम कराने के साथ तो मज़े भी बहुत है भाई साइड के, पर आपको कल हमने अपनी ऑफिस दिखाई थी वो कैसी लगी आपको जरूर बताना, मेरे को कमेंट में जरूर बताना कल के जाओ भाई, क्योंकि इधर की ऑफिस पता हो भाई, ये देखो यहाँ पे ये छोटा सा शेड बना हुआ है ब्रिज के नीचे, साइड का ऑफिस भाई इसी को बोलेंगे, और वहाँ पे ऊपर भी बना हुआ है वो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी शेड है, मतलब पतरे वाली शेड रहती है भाई यहाँ पे। तो कैसी लगी भाई आपको हमारी ऑफिस ये जरूर बताना, साइड की ऑफिस है भाई की, भाई कैंप के अंदर तो भाई हिसाब किताब हमारा ठीक ठाक रहता है। अभी भाई इसके अंदर है पानी, और ये आया पानी, ज्यादा डालता पानी, इतना पानी, और ये आप देख रहे हैं सामने जो उसके अंदर जो माल डाल रहा है, थोड़ा जो पाइप के अंदर जो माल रहेगा उसके अंदर डल जाएगा, बाकी का जो रहेगा ना वो सब बाहर चला जाएगा। कंक्रीट पूरी कंप्लीट हो गई है, और अभी अपना बूम पंप यहाँ से निकलेगा, अभी सीधे सुक्तवा जाएगा, वहाँ पे बॉक्स कलवर्ट की कंक्रीट करनी है, तो ये तो जाएंगी पूरी टीम अभी वहीं पे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं गटर नंबर 1 वो सामने है, ये गटर नंबर 2 अपन कर रहे हैं। और जो दोस्तों नए हैं, जो दोस्त अपने उनको बता देता हूँ भाई, ये 30 मीटर का गटर है, PSC गटर है। PSC गटर 2 टाइप के होते हैं, एक प्री स्ट्रेस होता है, एक पोस्ट स्ट्रेस होता है। तो ये वाले जो गटर है ये पोस्ट स्ट्रेस है, क्योंकि इनको पहले कास्टिंग किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, कास्टिंग करने के बाद फिर इसमें स्ट्रेसिंग की जाएगी। और जिनमें पहले कास्टिंग के पहले स्ट्रेसिंग कर दी जाती है, बाद में कंक्रीट कास्टिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं भाई प्री स्ट्रेस। तो ये अपने पोस्ट स्ट्रेस गर्डर हैं, और ये 30 मीटर का गर्डर है। और इसके अंदर भाई एक कहने की चीज़ ये थी, जब इसको कास्टिंग कर रहे थे नीचे, जब इसका फर्स्ट लेयर कास्टिंग कर रहे थे, क्योंकि ये लेयर वाइज करना पड़ता है, एक लेयर हुआ, दो लेयर हुए, तीन लेयर में भरना पड़ता है, एक बार में भाई ऊपर तक फुल नहीं भरते, क्योंकि एक लेयर में भर लिया, उसके बाद भाई वाइब्रेटर चला दिया, इसके बाद इस टाइप से भरा जाता है। तो ये पाइप देख रहे हैं ना आप, ये
जो इसके अंदर जो अपने एच डी पी पाइप जो लगे थे उसके अंदर ये पाइप देख रहे हैं, इनके अंदर इसलिए लगाए गए क्योंकि भाई जब ये कॉन्क्रीट करते ना तो पाइप कभी दबे ना, तो इसलिए ये जो पाइप है ना अपन जो वर्कर रहते हैं उनके थ्रू भाई इसमें हिलाते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं जिससे अंदर जो जो पाइप कहीं दबे ना, जिससे क्या जब केबल डलेंगी ना भाई तब ये प्रॉब्लम बहुत आती है। अगर पाइप जरा सा आपका दब गया कहीं पे और उस टाइप से कुछ भी हो गया ना तो बाद में भाई केबलें इसके अंदर डाल नहीं पाएंगे अपन, तो इसीलिए भाई ये चीज़ मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो कॉन्क्रीट करेंगे ना तब इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, अभी मैं दिखा नहीं पाया आपको। तो भाई साहब अभी ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट, मैंने अपडेट दे दिए हैं अभी, तो भाई इनकी रोज़ एक दिन भाई छोड़ के या फिर पर डे एक एक गटर भाई यहाँ पे निकलता जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे 20 गटर बनाने, तो एक तरफ का ब्रिज तो बारिश के पहले अपन चालू कर देंगे, कोशिश तो भाई दोनों की रहेगी पर एक को तो भाई एक तरह ऐसा मिशन लेके चल रहा है। और अभी बाकी ब्रिज में ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, केवल ये कैपें बची हैं, अभी इसकी तैयारी वैयारी होने लग गई सामने आप देख रहे हैं ना, अभी इसकी भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में भाई इसकी भी तैयारी करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे शटरिंग वटरिंग अभी लगाना स्टार्ट कर दिया, वो लास्ट वाला देख रहा है उसका भी प्रिपरेशन होने लग गई है, और केवल ये पिलर नंबर 4 है ना वही थोड़ा पीछे है तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगा, 3-4 दिन का काम है उसको भाई सीधे उठा दिया जाएगा। तो दोस्तों होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया, ब्लॉग थोड़ा छोटा सा था, मैंने कवर पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अपना काम थोड़ा सा मैं लेट पहुंचा, काम जल्दी बंद हो गया, थोड़ा सा मैं जल्दी पहुंच जाता तो हो जाता अपना काम, तो नेक्स्ट टाइम भाई अभी तो बहुत सारे गटर बनाने में सारे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाते ही रहूँगा। तो यहाँ पे आपको ब्रिज पूरा एक फ्रेम में मैंने आपको दिखा दिया, ये ब्रिज का काम है, केवल ये जो अपना पिलर नंबर 4 है यही थोड़ा पीछे रह गया तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 दिन में इसके 3 लिफ्ट और भरने, उसके बाद सीधे इसकी भी कैप करेंगे। तो होप दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आज के लिए इतने मिलता है नई वीडियो में, धन्यवाद।